उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले अजय यादव ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा में सफलता हासिल करके माता पिता और जिले का नाम रोशन किया। इससे पहले वो पीपीएस के लिए चयनित हुए थे, उसमें डीएसपी का पद मिला था, हालांकि उसे ज्वाइन नहीं किया गया था। इनका लक्ष्य आयुष बनने का था और लगातार उनके लिए मेहनत कर रहे थे और मुकाम हासिल कर लिया। मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें सफलतम परीक्षार्थियों की सूची में जनपद एटा के अजय यादव का भी नाम शामिल था। रिजल्ट देखकर अजय और उनके परिजन खुशी से झूम उठे। इनकी सफलता पर परिवार के लोग भी काफी खुश नजर आए। माता पिता के साथ ही रिश्तेदार मित्र और पड़ोसियों ने अजय यादव के माता पिता को मिठाई खिलाकर बेटे की सफलता पर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि अजय यादव मूल रूप से जैतरा ब्लॉक क्षेत्र के कटिगरा गाँव के रहने वाले है। वर्तमान में इनका परिवार शहर क्षेत्र के द्वारिकापुरी में रह रहा है। इनके पिता जितेंद्र यादव एडवोकेट हैं। पिता ने बताया कि बेटे की सफलता पर पूरे परिवार को गर्व है। बताया कि अजय ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। पिता के मुताबिक अजय दिल्ली से आईआईटी करने के दौरान ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। समय भी वो दिल्ली में है। बताया गया कि परिवार के सभी लोग अजय से मिलने दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मिलकर बधाई देंगे। अरे बहुत बहुत खुशी, हमारे पूरे परिवार में आज बहुत खुशी की लहर है। बहुत सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोग हमारे मित्र, हमारे शुभ चिंतक, सभी लोग खुश होकर हमारे घर पर आए हैं और बेटे के आईएएस में सिलेक्ट होने पर सब हमारे शुभ चिंतक बहुत खुश हैं। सब कोई मिठाई ला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बहुत बहुत सब पूरा परिवार बहुत खुश है। आप वो कैसे तैयारी करते थे और आप कैसे उनको लगा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? वो तैयारी करने में उनका तरीका ही अलग था। उनको कभी ये शौक नहीं था कि हम बहुत अच्छी, हमारे पास बाइक हो, बहुत अच्छे हमारे पास कपड़े हो। बस उनको ये एक शौक था कि हमारे पास बहुत अच्छी पुस्तकें हों जिससे हमको एक नया अध्ययन करने को मिले। और बहुत पूजा पाठ वाला व्यक्ति है। हर बहुत जब छोटी सी उम्र में था, मैं समझता हूँ 8-10 साल की उम्र से ही बृहस्पति का, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा पुजारी है। भगवान कृष्ण के नाम से बृहस्पति का व्रत रहता है। मैंने बहुत मना किया, मैंने, बेटा तुम बहुत मेहनत करते हो, अब व्रत वगैरह छोड़ो। तो उसने कि नहीं पापा, ये तो हो ही नहीं सकता है। और हर बृहस्पति को अपना व्रत रहता था, माँ सरस्वती की पूजा करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना उसके मन में बहुत ही। आपके बेटे का कौन सा अटेम्प्ट था? ये बेटे का तीसरा अटेम्प्ट था। एटा से जनमत न्यूज के लिए नंद कुमार की रिपोर्ट।